एक प्रेग्नेंट औरत को प्रेगनेंसी में हर महीने अपने डाइट चार्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी की शुरुआती 3 महीने प्रेगनेंट औरतों को ज्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता, इसलिए प्रेगनेंसी का 4th महीना एक ऐसा समय होता है जब आपको जी मचलाना, मूड स्विंग्स होना, सर दर्द होना और मॉर्निंग सिकनेस की समस्या कम होती है। इसलिए खाने को लेकर आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के 4th महीने में क्या खाएं और क्या ना खाएं। दोस्तों, दसवीं प्रेगनेंसी की 2री तिमाही को इस मामले में सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के इस ड्यूरेशन में होने वाला बच्चा भी तेजी से ग्रो करता है और इस दौरान आपके शरीर में न्यूट्रिशंस की मांग भी बढ़ जाती है ताकि बच्चे को भरपूर न्यूट्रिशंस मिल सके। इसलिए आपको अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है ताकि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके। आइए अब हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 4th महीने में आपको क्या क्या खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 4th महीने में आपके शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए आपको आयरन की बढ़ती इस जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी डाइट में आयरन वाली चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए, जैसे कि चिकन, मछली, सोयाबीन, ब्राउन राइस, मेवे और पीच, हरे पत्तेदार सब्जी। इसके अलावा प्रेगनेंसी के 4th महीने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स आपके डाइजेशन को स्लो कर देता है, जिससे आपके पेट में पल रहे बच्चे को जगह देने के लिए आपका यूट्रस आकार में बढ़ने लग जाता है। इससे आपको कब्ज की परेशानी होने लग जाती है, इसलिए कब्ज की परेशानी से बचने के लिए आपको फाइबर से भरपूर खाना खाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ओरबीट, जैसे ओटमील, जौ, बीज, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, सब्जियां जैसे कि स्प्राउट्स, ब्रोकली, स्वीट कॉर्न, बीट रूट, बटर, पल, अंजीर, नाशपाती, इन्हें आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के 4th महीने में आपके पेट में पल रहे बच्चे के शरीर में मजबूत हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए आप अपनी डाइट में कैल्शियम को भी शामिल जरूर करें और रोज रात में सोने से पहले 1 ग्लास दूध जरूर पिए। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये जाना कि प्रेगनेंसी के 4th महीने में आपको क्या क्या खाना चाहिए। आइए अब हम इस बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 4th महीने में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें पहली चीज होती है मोलेट। प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा मात्रा में मोलेट्री का इस्तेमाल पेट में पल रहे बच्चों के IQ लेवल को कम कर देता है, क्योंकि मोलेट्री में ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं, जिससे आपको समय से पहले क्लीनिंग भी हो सकती है और इससे आपके बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। दूसरी चीज होती है रिफाइंड आटा, इससे भारत में मैदे के नाम से जाना जाता है। ये डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है और कब्ज भी पैदा करता है, इसलिए डिलीवरी के बाद आपके बवासीर का कारण बन सकता है। साथ ही आपके ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जिसके कारण आपको डायबिटीज होने का भी खतरा रहता है, जो कि माँ और होने वाले बच्चे दोनों के लिए ही हानिकारक हो सकता है। तीसरी और आखिरी चीज है कैफीन, क्योंकि इसके ज्यादा इस्तेमाल से आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है और इसके कारण आपको घबराहट, चिड़चिड़ापन और नींद न आने जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है, जो पेट में पल रहे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, यहाँ तक कि इससे आपको मिसकैरेज भी हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के 4th महीने में आप इन सब चीजों का खास ध्यान। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट जरूर करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अब अगर आपको ये जानना है कि प्रेगनेंसी का 5वां महीना कैसा होता है, तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियोज को देख सकती हैं, जिसमें हमने इस बारे में अच्छे से बताया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।